राइट दोस्तों, अनदर डे अनदर फोन फ्रॉम मोटरोला। जी हाँ, अब हमारे पास आ गया है मोटरोला एज 40 नियो। जी हाँ, कुछ दिनों पहले क्यों, दो ढाई तीन महीने पहले ही सिर्फ एज 40 आया था, अब उसका छोटा भाई आ गया। नियरली सब फीचर जो एज 40 में थे वो नियो में भी है, लेकिन इसकी प्राइस कम हो गई है। इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी क्लोजर टू 20,000। इसकी प्राइस कुछ 25,000 होने वाली है, लेकिन इफेक्टिव प्राइस 20,000 तक है। और सोचिए दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द लाइटेस्ट फोन, वही लुक्स वगैरह जबरदस्त है, कर्व्ड डिस्प्ले है, ओलेड, बहुत सारी चीजें बताने के लिए सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे, अच्छे लगते हैं वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें बाय करने हैं फोन। चलिए लेट्स ओपन। एक चीज अच्छी है, धीरे धीरे मोटरोला उनकी जो पैकेजिंग है वो इंप्रूव कर रहा है, सभी कुछ इंप्रूव कर रहा है धीरे धीरे धीरे, बट दे आर डूइंग इट। फॉर एग्जांपल, ये जो पैकेजिंग है, दिस इज अगेन एनवायरमेंटल फ्रेंडली, रिसाइकलेबल मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है। सभी ब्रांड जो है अब धीरे धीरे एनवायरमेंट फ्रेंडली की तरफ बढ़ रहे हैं, मोटरोला इज नो डिफरेंट। सबसे पहले दोस्तों लेट मी सी, ओ केस इस टाइम फोन पे नहीं लगी हुई है। जनरली मोटरोला के फोन जब आते हैं बॉक्स खोलते हैं तो केस लगी हुई होती है, बट एंड दिस केस इज डिफरेंट। All right, very nice. जैसे मैंने कहा, मोटरोला हर जगह पे देख रहा है इंप्रूवमेंट के लिए। फट गया। All right, भाई निकल। Ooh, look at this case. हार्ड केस है दोस्तों, ये काइंड ऑफ बम्पर केस है दोस्तों, साइड से ओपन है बट ऊपर से और नीचे से, सो वेरी नाइस केस, आई लाइक इट। डाल के भी दिखाऊंगा मैं। ये है, ओह वेरी इंटरेस्टिंग। 68 वॉट का चार्जर है, एंड दैट टू टाइप सी चार्जर है, सो वेरी नाइस। 68 वॉट चार्जर, यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल, सो दैट इज देयर। और क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, जी वो बोल दिया। एंड वेयर इज द सिम कार्ड टूल, वेयर इज द सिम कार्ड टूल, कहां है? नो सिम कार्ड टूल, दैट इज इंटरेस्टिंग। All right, ठीक है, रखते हैं सब कुछ साइड में दोस्तों, आई विल कीप द केस। अब फोन के पास देखते हैं। कलर मैच्ड केस है, वेगन लेदर बैक है, लुक एट दिस डिजाइन, वेरी नाइस। एंड कर्व्ड डिस्प्ले, जैसे मैंने कहा, ब्यूटीफुल, लाइट वेट है। दोस्तों जस्ट लुक एट दिस, सीरियसली आई मीन मोटरोला लुक्स के मामले में दे आर रियली डूइंग वेरी वेल। ये वेगन लेदर जो फील है हाथ में, जबरदस्त है। इवन ये जो मेटल कैमरा मॉड्यूल है, लुक्स वेरी नाइस। जिसमें तीन कलर्स आते हैं, एक जो ब्लैक कलर का है, दैट इज पीएमए में फिनिश, और बाकी के जो दो वेगन लेदर है ये है, एंड देन अनदर वन इज काइंड ऑफ मिंट कलर, सो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ ग्रीनिश वो है, बट दिस वन स्टैंड्स आउट फॉर मी। और ये जो है ना, ये क्लाइमेट फ्रेंडली केस है, मतलब ये जो नॉर्मल टीपीयू केस होती है, क्लियर केस, वो येलो हो जाती है थोड़े दिनों के बाद, दिस इज नॉट going to be that, so very nice case. और bulk बिल्कुल नहीं बढ़ता है, वो भी है, हाथ में जब आप पकड़ते हो it does not feel bulky. चलिए दोस्तों गिरा के देखते हैं। Yes, NEG glass का protection आता है, so let's do this. 1, 2 and oh, that sound, ठीक है, and another one. 1, 2 and नहीं, कुछ नहीं, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। तो अगर वेट के बारे में बात करूं, इसमें 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी है, बट स्टिल इट फील्स सो लाइट, बहुत ही हल्का हाथ में लग रहा है। मेरे हिसाब से इट शुड बी 175 grams, लेट्स सी 5000 मिली एम्पीयर बैटरी होने के बावजूद 172.3 grams, दैट इज वेरी लाइट, बहुत ही लाइट है। या हाथ में जब आप लोगे या पॉकेट में डालोगे, पॉकेट फ्रेंडली फोन कहूंगा मैं। दोस्तों पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे स्पीकर ग्रिल है, माइक्रोफोन है, यूएसबी टाइप सी है, सिम कार्ड ट्रे है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ माइक्रोफोन है, डॉल्बी एटमॉस ट्यून स्पीकर्स है, स्टीरियो स्पीकर्स भी है इसमें, ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है, एंड देन पावर ऑन ऑफ बटन। वैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है क्योंकि साइड माउंटेड नहीं है। यस, पीओलेड डिस्प्ले, डिस्प्ले के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, 6.55 इंच का कर्व्ड OLED डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, 1300 nits ब्राइटनेस है, पीक ब्राइटनेस, सो दैट इज एक्सीलेंट, एंड 144 हर्ट्ज फील्स एक्सट्रीमली स्मूथ, HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट आता है। और अगर मैं H40 के साथ कंपेयर करूं, डिस्प्ले सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें मेटल फ्रेम थी तो आपको वो एंटेना लाइंस दिखते थे, बट फिर भी ये चैम्फर्ड एजेस है तो प्रीमियम लुक देता है फोन। और एक बात कहूं दोस्तों, ये मतलब जब आप
फील करते हो, यू नो स्वाइप्स टचेस वगैरह व्हेन यू आर डूइंग इट, यू कम टू नो इट इज बटरी स्मूथ. जी 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट की वजह से. और हाँ, जो एंड्रॉइड है दोस्तों, क्लीन एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस आपको मिलता है, वेरी नाइस, वेरी ऑप्टिमाइज्ड. और एक बात कहूं दोस्तों, अगर आप डिस्प्ले के पास देखोगे, साइड के बेजल्स, क्योंकि कर्व डिस्प्ले है तो नॉन एग्जिस्टेंट है. ऊपर और नीचे का जो बेजल है या फिर चिन जो है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्लिम, लुक्स अ वेरी मॉडर्न फोन फॉर श्योर. चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं. ये आता है डायमेंसिटी 7030 प्रोसेसर के ऊपर, जो बेसिकली एक रीब्रांडेड 1050 डायमेंसिटी का है वो है. ये नेमिंग कन्वेंशन मीडिया टेक की मुझे समझ में नहीं आते, बट दिस इज 7030. इसमें बेस वेरिएंट जो है 8128 है, एंड उसका ऊपर का जो वेरिएंट है दैट इज 12256GB वेरिएंट. LPDDR4X रैम टाइप आती है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है, 5000mAh की बैटरी है एंड 68W फास्ट चार्जिंग है. परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों अंतुल स्कोर इसका 500000 के करीब आता है, विच इज एक्सीलेंट. गेमिंग के लिए भी मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे आप गेमिंग कर पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स. हमने पबजी COD मोबाइल वगैरह खेल के देखा एंड दे वर्क वेरी वेल. वैसे दोस्तों मोटरोला हमेशा कुछ ना कुछ वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट करता है. इसमें भी है वर्ल्ड्स फर्स्ट 7030 प्रोसेसर, इवन दो इट इज रीब्रांडेड, दैट इज व्हाट इट इज. वैसे दोस्तों आई लव माय UX, there is no question about it. मतलब बहुत ही ऑप्टिमाइज होता है, वेदर आप बैटरी परफॉर्मेंस के लिए देखिए, मतलब ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से सही में बहुत अच्छा है. और MyUX जो Motorola का है, कस्टमाइजेशंस भी मिलते हैं, सो इट इज काइंड ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. MyUX में दिया वो जेस्चर्स वगैरह जो है वो सब आते हैं, सो ऑल दैट इज देयर. और इस टाइम दोस्तों H40 Neo के साथ Motorola ने कहा है 2 साल के मेजर अपडेट्स देने वाले, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स. जनरली 1+3 होता है, अब 2+3 हो गया. मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था Motorola हर चीज में धीरे 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 दे आर इंप्रूविंग, नॉट बैड एट. अगर मैं MyUX के फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें रेडी फॉर आता है. जी हाँ, सीमलेसली आपको बड़े स्क्रीन पे कनेक्ट वगैरह करना है वो सब आप बहुत इजीली कर पाओगे. फैमिली स्पेसेस आता है, ये आपके बच्चे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू कैन क्रिएट अ स्पेस फॉर दैट, सो दैट इज देयर. एंड देन सिक्योरिटी के लिए थिंक शील्ड भी आता है, सो ऑल दोस फीचर्स आर देयर, जो बेसिकली Motorola के फ्लैगशिप थोड़े महंगे फोन्स में आते हैं इसमें भी है. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया. मजा आने वाला है, डॉल्बी एटमॉस पावर्ड स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, जबरदस्त डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले है, PoLED डिस्प्ले, मल्टीमीडिया में एब्सोल्युटली ग्रेट. मतलब 20,000 में दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मल्टीमीडिया. हाँ, मैं इधर ये कहना चाहूंगा कि नेटफ्लिक्स में अब ऑल्दो वाइड L1 है, बट नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं है, शायद अपडेट के साथ आ सकता है, बट यूट्यूब में आप HDR देख पाओ. वैसे DC डिमिंग का भी फीचर आता है, लो लाइट में आप बहुत ज्यादा देर तक अगर स्क्रीन के पास देखोगे आपकी आंखों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, सो दैट DC डिमिंग फीचर इज देयर. वैसे आजकल दोस्तों पहले जमाने के फोन जैसा नोटिफिकेशन लाइट तो चला गया, बट इसके अंदर एक OS का फीचर है एज लाइटिंग, तो जब कॉल्स वगैरह आए हुए हैं तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, क्योंकि ये कर्व डिस्प्ले है तो साइड में आपको लाइट आ जाएगा, दैट्स एज लाइटिंग, दैट्स गुड. वैसे तो दोस्तों कर्व डिस्प्ले जो होते हैं दिखने को एब्सोल्युटली प्रीमियम दिखते हैं. अब इस प्राइस रेंज में अराउंड 20-25,000 में बहुत सारे कर्व्ड भी हैं, कर्व डिस्प्ले के फोन भी आ गए एंड फ्लैट डिस्प्ले भी है. आप क्या प्रीफर करते हो मुझे कमेंट्स में बताइए. आई रियली वांट टू नो वेदर यू प्रीफर फ्लैट डिस्प्ले, क्योंकि उसके एडवांटेजेस है, कर्व डिस्प्ले के भी एडवांटेजेस है, आपको क्या पसंद. और एक चीज जो जनरली फ्लैगशिप फोन्स में आती है, IP68 सर्टिफिकेशन आपको इस 20-22,000 के फोन में मिल रहा है. अगेन इस प्राइस रेंज में IP53, IP52 ऐसे आता है, बट इसमें दोस्तों IP68 सर्टिफिकेशन है. सो मैं कहूंगा डस्ट एंड वाटर प्रूफ, पानी के नीचे 1.5 मीटर तक गिर गया, आधे घंटे तक रहेगा तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. रेनी सीजन में वेरी नाइस, या फिर आप स्विमिंग वगैरह बहुत करते हो, फोन यूज करते हो, नो प्रॉब्लम. कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, एंड सब कुछ अगेन फ्लैगशिप लेवल के जो चीजें हैं, कनेक्टिविटी ऑप्शंस वही सब कुछ आते हैं इसके अंदर. वाईफाई 6E आता है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC है, 5G के सभी बैंड्स का सपोर्ट है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, मतलब क्या चाहिए. 4x4 मीमो आता है, सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल ऑफ देम आर देयर. अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, बाकी सब सेंसर जो आपको चाहिए स्मार्टफोन में सभी आते हैं, सो ऑल दैट इज ऑल्सो देयर. चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में. यस, वेरी फंक्शनल कैमरा. अगेन मैं एक चीज देख रहा हूं, अब धीरे धीरे वो जो 2 मेगापिक्सल के सेंसर है वो हटने लग गए हैं एंड Motorola इज टेकिंग द लीड. इसमें डुअल कैमरा सेटअप है विच इज गुड. 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा है, यस OIS सपोर्ट करता है, प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है. दूसरा जो है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जो बेसिकली ऑटो फोकस होने की वजह से मैक्रो भी आप शूट कर पाओगे एंड ये डेप्थ इन्फॉर्मेशन भी करता है, तो पोर्ट्रेट जब आप क्लिक करते हो तो उसका फायदा होता है. एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है, अगेन 32 मेगापिक्सल है विच इज क्वाइट गुड. लाइक आई हैव सेड, कैमरा डिपार्टमेंट में भी Motorola धीरे 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 दे आर टेकिंग गुड स्टेप्स अहेड एंड दिस वन इज नो डिफरेंट. जो भी ओरिजिनल क्वालिटी में हमने फोटोज निकाले हुए उसकी G Drive लिंक दे रहा हूँ. ओवरऑल नॉर्मल कंडीशन में सही में अच्छे फोटोज आते हैं.
आते हैं, सेल्फीज बहुत अच्छी निकल, 32 मेगापिक्सल है, सेल्फीज अच्छे, पोर्ट्रेट्स भी बहुत इंप्रूव हो गए, सो दैट ऑल्सो कम्स आउट गुड। जैसे मैंने कहा ओरिजिनल क्वालिटी में आपको देखने तो जी ट्रेवलिंग जरूर देखिए। इवन वीडियोग्राफी दोस्तों, फ्रंट एंड बैक दोनों ही आप 4K 30fps शूट कर पाओगे, 60fps नहीं है बट 4K है दोनों ही तरफ, विच इज रियली गुड। पोर्ट्रेट वीडियो मोड का भी फीचर है, तो बैकग्राउंड आपको ब्लर करके वो वीडियोस निकालने वो कर पाओगे। एंड लो लाइट मोड भी आता है इसके अंदर, तो लो लाइट ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करता है, उस हिसाब से वीडियोस एंड फोटोज क्लिक करता है, सो दैट इज देयर। और हाँ, फीचर्स के मामले में वीडियोग्राफी में हॉरिजॉन्टल लॉक फीचर है जो GoPro वगैरह में मिलता है, वो ही मिलता है, यू नो इट लॉक्स द होराइजन, सो दैट इज देयर। स्लो मोशन मोड वगैरह है, HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट आता है और ऑडियो जूम का भी सपोर्ट है, सो वीडियो के लिए सेम है ये फोन, अच्छा है। सो आपने थोड़ा जूम वगैरह किया तो यू नो इट कैचेस दैट ऑडियो, जब आप जूम करते तो ऑडियो जूम का फीचर भी आता है। बाकी चीजों के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने कहा IP68 सर्टिफिकेशन आता है, विच इज गुड, सार वैल्यू विद इन लिमिट्स है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आता है, नोटिफिकेशन लाइट की जगह पे एज लाइटिंग आपको मिलती है। एंड हाँ, अभी अभी मुझे याद आया दोस्तों, सिम कार्ड ट्रे मैंने आपको दिखाया हुआ नहीं है क्योंकि सिम टूल नहीं आया था, सरप्राइजिंगली। लेट मी शो यू, ओके, ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है दोस्तों, एंड बेस वेरिएंट इसमें 128GB का है, एंड देन 12/256 भी ऊपर का है। फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, 23,999 बेस वेरिएंट आता है इसका, एंड इफेक्टिव प्राइस जो है 20,999 हो जाती है, ऑफर्स वगैरह मैं वो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसका जो ऊपर वाला वेरिएंट है 12/256 वो भी 25,999 का है, वो भी 25 के नीचे आपको मिल जाता है, आई थिंक 23,999 में वो आ जाता है इफेक्टिव विद ऑफर्स एंड ऑल दैट, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उस प्राइस के हिसाब से फॉर 21,000 इट ऑफर्स यू अलॉट, मतलब IP68 आपको मिल रहा है, कर्व्ड POLED डिस्प्ले आपको मिल रहा है, डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस के मामले में भी इट इज राइट अप देयर, मतलब 20-21,000 के दूसरे फोन देखोगे तो ये 5 लाख अंदर स्कोर आ रहा है ओवरऑल अगर आप, एंड देन OS अपग्रेड्स भी है, 2 साल का मेजर अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स है, सो ऑल दैट इज देयर। जैसे मैंने कहा मोटो H40 जो अराउंड 30,000 है, उसके सभी फीचर्स इसमें आते हैं, सिर्फ इसमें आपको जो फ्रेम है वो मेटल की नहीं मिलती है एंड वायरलेस चार्जिंग नहीं है, बाकी नियरली सभी फीचर्स मिलते हैं अंडर 25,000, क्लोजर टू 20,000, विच इज गुड। वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, जी हाँ, फ्लिपकार्ट पे आपको ये मिलने वाला है, एंड देन ऑफलाइन स्टोर्स में, रिलायंस में वगैरह अगर आपको लेना है तो उधर भी ले सकते हो। आई विल सजेस्ट यू गो टू ऑफलाइन स्टोर एंड फील दिस फोन इन हैंड, एक बार आप हाथ में लोगे यू आर गोइंग टू लाइक इट फॉर श्योर। लेकिन वीडियो कैसे लगा वो तो अच्छा लगा ना दोस्तों, तो लाइक करना मत भूलिए, एंड हाँ सब्सक्राइब नहीं है वो जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।